तो फाइनली गाइस यार मुझे ये वाला न्यू थोर मोड अपनी इंडियन मैक्स ओनली गेम के अंदर मिल चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हाँ यार गाइस मुझे अपनी गेम के अंदर ये वाला न्यू थोर मोड अपनी गेम के अंदर देखने को मिल चुका है। अबे साले, क्योंकि यार गाइस आज की सली वीडियो के अंदर फिर से हम सब लोग मिथ बसेस को कंफर्म या फिर बस्ट करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से गाइस यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने जा रही है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। एंड अगर अभी तक आप सब लोग ने हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप सब लोग के पास अपना कोई मिथ हो तो इसी वीडियो के नीचे अपना मिथ कमेंट कर देना। बाकी चलो आप सब लोग बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से हम लोग अपने सबसे पहले मिथ की तरफ बढ़ लेते हैं। मिथ ज़ॉम्बी मोड लगाकर मिनी जेट पैक को लेकर एयरपोर्ट पर जाओ, और जब आपके पास ज़ॉम्बी आए तो मिनी जेट पैक और स्काईफॉल एक साथ करो, फिर देखो मैजिक। तो चलो यहाँ पर मैं अपना ज़ॉम्बी मोड लगा के आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर 330 की चिट कोड नंबर से मैंने अपने यहाँ पर मिनी जेट पैक को भी स्पॉन कर लिया। अब चलो फटाफट से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं, एयरपोर्ट के अंदर हम लोग को ज़ॉम्बीज देखने को मिलने वाले हैं, एंड उसके बाद हम लोग अपने जैसे कि भाई ने मिथ बोला है वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं हम लोग को कौन सा यहाँ पर मैजिक देखने को मिलता है अपनी गेम के अंदर। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो यहाँ पर मैं संभाल कर अपने सबसे पहले तो मिनी जेट पैक से यहाँ पर लैंड करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने मिनी जेट पैक से यहाँ पर लैंड कर चुका है, एंड देखो ज़ॉम्बीज मेरे पास भी आ रहे हैं। अब चलो फटाफट से अपने सेलफोन निकालते हैं, 1120 स्काईफॉल का चीट को नंबर एंड मिनी जेटपैक एंड इसके साथ मैंने एक साथ यहाँ पर दबा दिया। एंड भाई सब आप सब लोग यहाँ पर देखो जो ज़ॉम्बीज थे वो यहाँ पर गायब हो गए, एंड यहाँ पर मेरा करेक्टर भी गायब हो गया, और मिनी जेटपैक के अंदर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, और हम लोग को यहाँ पर मिनी जेटपैक का व्यू दिखा रहे, और सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर गायब हो चुके हैं। एंड अब पता नहीं यहाँ पर हमारा मिनी जेटपैक उड़ भी पाएगा या फिर नहीं, हम लोग को कौन सा यहाँ पर व्यू देखने को मिलेगा। पर आप सब लोग यहाँ पर देखो जो यहाँ पर हमारे ज़ॉम्बीज थे वो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे यहाँ पर वैनिश हो चुके हैं। अब मैं अपने यहाँ पर जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ, तो अब मैं अपने मिनी जेटपैक को भी यहाँ पर उड़ा पा रहा हूँ। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मिस्टर इंडिया भाई साहब मैं बन चुका हूँ इंडियन मैक्स ओनली गेम के अंदर। जैसे कि मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है वैसे हमारा करेक्टर यहाँ पर गायब होकर मिनी जेटपैक को चला रहा है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब कितनी खतरनाक सा यहाँ पर हमारा मैजिक हो चुका है, और जैसे स्काईफॉल किया और यहाँ पर मिनी जेटपैक के अंदर बैठा तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी गायब हो गए, मेरा करेक्टर भी भाई साहब यहाँ पर गायब हो गया। और यहाँ पर देखो हमारा मिनी जेटपैक तो भाई साहब ऐसे उड़ रहा है, मेरे मिनी जेटपैक के अंदर कोई बैठा भी नहीं हुआ, पता नहीं इसको कौन चला रहा है हमारे मिनी जेटपैक को। तो यहाँ पर ये वाला हमारा मैजिक हो चुका है यहाँ पर हमारी गेम के अंदर दोस्तों। यहाँ पर ये वाला मैथ हमारा कंफर्म होता है यार यहाँ पर ये वाला दोस्तों। अगर आप किसी एनपीसी को मारेंगे और पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे तो पुलिस हमें मारने लगेगी। तो चलो फिर बिना कोई देर करे यहाँ पर अपनी AK-47 को निकाल लेता हूँ, और उसके बाद आप सब लोग देखो हमारे सामने एक एनपीसी यहाँ पर लड़की खड़ी हुई है, फटाफट से यहाँ पर मैं उसको मार देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं पुलिस वाले हम लोग को यहाँ पर मारते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने एनपीसी को मार दिया, चलो फटाफट से पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो पुलिस स्टेशन के जैसे अंदर घुसा तो भाई साहब आप लोग देखो यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने पर यहाँ पर देखो पुलिस वाले आ चुके हैं मेरे को मारने के लिए, और 2-3 नहीं 5 पुलिस वाले मेरे को मारने के लिए आ चुके हैं। 2 तो मेरे को यहाँ पर बंदूक से मार रहे हैं और 3 जने तो भाई साहब यहाँ पर मेरे को घूसों से मार रहे हैं आप सब लोग देखो, और मैंने इनफिनिट हेल्थ भी यहाँ पर नहीं लगा के रखी, तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कंफर्म होता है, अगर हम लोग किसी एनपीसी को मार के पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले हम लोग को मारने लगेंगे, तो ये वाला मिथ हमारा कंफर्म होता है यहाँ पर। अगर हम घोस्ट राइडर बाइक को गिराकर उसके ऊपर स्काईफॉल करेंगे तो होगा मैजिक। तो चलो फिर यहाँ पर हम लोग इस मिथ को भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। चलो फटाफट से सबसे पहले तो अपनी यहाँ पर घोस्ट राइडर बाइक को हम लोग यहाँ पर मंगा लेते हैं, पर सबसे पहले अपनी इनफिनिट हेल्थ लगा लेता हूँ। 9129 इनफिनिट हेल्थ का चीट कोड नंबर एंड 4×5 चीट कोड नंबर है हमारी घोस्ट राइडर बाइक का। अब चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी घोस्ट राइडर बाइक को यहाँ पर मैंने गिरा दिया। अब चलो फटाफट से स्काईफॉल करते हैं 1120 के साथ, एंड हम लोग गो हेड बाइक के अंदर भी बैठने का यहाँ पर हम लोग को बटन दबाना है, तो यहाँ पर मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर हमारा करेक्टर यहाँ पर आसमान से गिरने लग चुका है, हमारा करेक्टर यहाँ पर स्काईफॉल कर रहा है, फिर हमारा करेक्टर जैसे नीचे आता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा मैजिक हुआ है। चलो फटाफट से यहाँ पर आप सब लोग देखते हो हमारा जो करेक्टर वो यहाँ पर नीचे गिर चुका है। अब चलो फटाफट से जैसे यहाँ पर ऊपर उठता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर मैजिक हुआ है, कौन सा मैजिक की यहाँ पर भाई हमारे बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा दूर ही गिर रहा हूँ, एंड यहाँ पर देखो जो हमारी गो हेड बाइक है वो यहाँ पर हमारी ऊपर उठी हुई है, एंड अब पता नहीं यहाँ पर हमारा कौन सा मैजिक हुआ है। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं गो हेड बाइक के यहाँ पर पास चलता हूँ, यहाँ पर देखो मैं तो गोल रेड बाइक के यहाँ पर आर पार चला गया। भाई साहब ये क्या हो गया, मेरे ख्याल से यार हमारा तो यहाँ पर इनविजिबल वाला ग्लिच लग चुका है। देखो मैं यहाँ पर अपनी गोल रेड बाइक के यहाँ पर आर पार जा पा रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से हम लोग अपनी ट्रेन के भी यहाँ पर आर पार जा पाएंगे, हम लोग अपने गैस टैंक के आर पार जा पाएंगे, नहीं हम लोग इन टैंक के तो यहाँ पर आर पार नहीं जा पा रहे। पर आप सब लोग यहाँ पर देखना, मैं जैसे यहाँ पर ट्रेन के अंदर जाऊंगा तो आप सब लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर ट्रेन के आर पार जा पा रहे, क्योंकि हमारा यहाँ पर इनविजिबल वाला ग्लिच यहाँ पर लग चुका है। हम लोग अगर अपनी गोल रेड बाइक को नीचे गिरा के स्काई फुल करेंगे तो हमारा ये वाला ग्लिच हो जाएगा, मतलब कि हमारा करेक्टर यहाँ पर इनविजिबल हो जाएगा, फिर हमारा करेक्टर यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कंफर्म होता है, क्योंकि यार दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वाला मैजिक जो हो चुका है यार ये वाला मिथ। 330 वाले जेट पैक और एटीवी में एक साथ बैठो तो होगा मैजिक। तो चलो दोस्तों हम लोग फटाफट से इस मिथ को यहाँ पर ट्राई कर लेते, चलो फटाफट से अपनी सेलफोन निकालते हैं, एंड हम लोग अपनी एटीवी बाइक को स्पॉन कर लेते हैं 4×00 मतलब की 4×2 के चिट को नंबर से, उसके बाद 330 के चिट को नंबर से हमारा यहाँ पर मिनी जेट पैक आता है। तो चलो फटाफट से इन दोनों के अंदर बैठते हैं, दोनों के अंदर बैठने का बटन तो एक साथ ही हटा है, कार वाला ऑप्शन आता है इन दोनों के अंदर बैठने का। यहाँ पर मैं बैठ चुका हूं, यहाँ पर देखो हमारा जेट पैक के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर देखो
देखो ZP के अंदर बेटा किस तरीके से हुआ और फर्स्ट पर्सन पर तो यहाँ पर ये ATV का व्यू दिखा रहा है और यहाँ पर देखो जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा मिनी जेटपैक चल रहा है। पर यहाँ पर देखो मिनी जेटपैक के अंदर बेटा किस तरीके से हुआ है भाई साहब, यहाँ पर देखो कितने फनी तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है ये। अरे भैया आप लोग खुद ही देखो किस तरीके से यहाँ पर मिनी जेटपैक के अंदर बैठा हुआ है। इसने तो मिनी जेटपैक को यहाँ पर जकड़ के रखा हुआ है, कहीं नहीं है भाई साहब यहाँ पर ये गिर ना जाए। और इसकी टांगे देखो, इसकी टांगे मेरे ख्याल से लंबी हो चुकी है और ये कैसे यहाँ पर लटका हुआ है मिनी जेटपैक को यहाँ पर पकड़कर। और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ तो ATV का व्यू दिखा रहा है, पर यहाँ पर हमारी ATV यहाँ पर चल वगैरह नहीं रही। और यहाँ पर देखो मिनी जेटपैक के अंदर यहाँ पर बैठा किस तरीके से भाई साहब, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। देखो किस तरीके से यहाँ पर मिनी जेटपैक के अंदर बैठा हुआ है। पर हम लोग यहाँ पर अपने कैमरा का व्यू देख सकते हैं ATV से हम लोग कैसा लगेगा कि हम लोग यहाँ पर अपने करेक्टर के अंदर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। कैमरा यहाँ पर हमारे करेक्टर के अंदर लगा हुआ है। बाकी यार यहाँ पर ये वाला मैच हमारा कन्फर्म रहता है क्योंकि भाई साहब हमारा खतरनाक सा मैजिक हो चुका है। हमारा करेक्टर ATV बाइक के अंदर मतलब की ATV बाइक और मिनी जेटपैक के अंदर एक साथ बैठा। यहाँ पर हमारा करेक्टर भाई साहब मिनी जेटपैक के अंदर किस तरीके से बैठा हुआ था और शुक्र मनाओ यहाँ पर मिनी जेटपैक से जैसे नीचे उतरा तो हमारा करेक्टर यहाँ पर वॉइड के अंदर नहीं घुसा। बाकी यार हमारा करेक्टर कितनी फनी तरीके से भाई साहब मिनी जेटपैक के अंदर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर ये वाला मैच हमारा कन्फर्म होता है। विद मून ग्रेविटी लगाकर जेटपैक में बैठो तो जेटपैक जल्दी उड़ेगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। चलो फिर बिना कुछ देरी करे फटाफट से हम लोग स्मिथ को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी मून ग्रेविटी का चीट कोड नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं जिसका चीट कोड नंबर है यहाँ पर 7112। उसके बाद मून ग्रेविटी लग जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पर मैं तो अपने फेवरेट जेटपैक को मंगाने वाला हूँ जो कि है मिनी जेटपैक, उसका चीट कोड नंबर 330। तो यहाँ पर हमारा मिनी जेटपैक आ चुका है। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एक्सेलेटर दे दिया एंड देखो भाई साहब सच्ची में ये उड़ा तो भाई साहब बहुत ही तेजी से। अब हम लोग को ये जानना है कि मून ग्रेविटी यहाँ पर लगी हुई है, अब यहाँ पर नीचे आएगा या फिर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने अपना ब्रेक वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मैंने दबा के रखा है, पर फिर भी यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा। और अगर मैं अपने यहाँ पर जॉयस्टिक को मूव करूंगा तब मेरे ख्याल से यहाँ पर नीचे आ जाएगा। चलो फटाफट से यहाँ पर इसको हम लोग नीचे लैंड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सो मिनी जेटपैक यहाँ पर नीचे जो आ चुका है। और यहाँ पर देखो मैंने अपना जैसे यहाँ पर ब्रेक से अपनी उंगली हटाई है तो यहाँ पर देखो फिर से हमारा जो मिनी जेटपैक है वो यहाँ पर हमारा उड़ चुका है। और यहाँ पर ना ही मैं एक्सेलेरेटर दबा रहा हूँ ना ही कुछ, जैसे मैं अपने यहाँ पर ब्रेक से यहाँ पर हाथ हटा रहा हूँ तो हमारा यहाँ पर मिनी जेटपैक फिर से ऊपर उड़ जा रहा है अपने जैसे मतलब कि अपने जॉयस्टिक और यहाँ पर ब्रेक से यहाँ पर इसको नीचे तो ला पा रहा हूँ। जैसे अपने यहाँ पर ब्रेक से यहाँ पर हाथ या उंगली हटा रहा हूँ हमारे यहाँ पर जो मिनी जेटपैक है वो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर उड़ जा रहा है भाई साहब, आप सब लोग देख सकते हो। अब यार देखो भाई ने बोला था कि हम लोग अपने यहाँ पर जो हमारा मिनी जेटपैक है या फिर कौन सा भी जेटपैक है अगर हम लोग मून ग्रेविटी लगाते हैं वो तो यहाँ पर ऊपर तेजी से उड़ जाता है, वो तो यहाँ पर हमारा जेटपैक यहाँ पर तेजी से ऊपर उड़ गया था। पर भाई ने बोला था कि नीचे नहीं ला पा सकते, पर यहाँ पर मैंने तो इसको नीचे ला पाया था। मेरे को पता नहीं है कि इस वाले मिथ को हम लोग कन्फर्म माने या फिर बस्ट माने, तो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि ये वाला मिथ हमारा बस्ट होता है या फिर कन्फर्म होता है। बाकी मेरे ख्याल से देखो तो मेरे ख्याल से ये वाला मिथ हमारा बस्टेड होता है। मिथ मून ग्रेविटी लगाकर थार चलाने से थार विली करती है। चलो फटाफट से हम लोग इस मिथ को भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। चलो फटाफट से सबसे पहले तो अपनी यहाँ पर थार को स्पॉन कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अपनी मून ग्रेविटी लगा लेते हैं जिसका चीट कोड नंबर 7112 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी 9090 के चीट कोड नंबर से अपनी यहाँ पर फटाफट से हम लोग यहाँ पर अपनी थार को मंगा लेते हैं बिना कोई टाइम खटी करे। तो यहाँ पर फटाफट से हमारी मॉडिफाइड थार आ चुकी है। फिर बिना कोई टाइम खटी करे फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं, फिर इसको चलाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी यहाँ पर थार विलिंग करती है या फिर नहीं। तो मैं इसके अंदर बैठ चुका हूं, यहाँ पर मैं इसको चला रहा हूँ एंड आप लोग देखो भाई साहब इसका जो आगे का हिस्सा है वो यहाँ पर ऊपर उठ चुका है हमारी मॉडिफाइड थार का। एंड जो हमारी मॉडिफाइड थार है वो तो यहाँ पर विलिंग तो कर रही थी पर यहाँ पर हवा के अंदर ही उड़ गई है भाई। अब तो ये वैसे यार मैंने तो देखा था कि हमारी यहाँ पर थार विलिंग कर रही थी, पर फटाफट से यहाँ पर जैसे हमारी थार यहाँ पर नीचे आती है फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारी थार मून ग्रेविटी लगा के अगर हम लोग इसको चलाएंगे तो यहाँ पर ऊपर उड़ेगी या फिर नहीं। एंड हाँ ये तो हमारी मॉडिफाइड थार है एंड जो हमारी न्यू अपडेट के अंदर न्यूली थार आई है जिसका चिट कोड नंबर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा एंड हम लोग उसके ऊपर मिथ को ट्राई करके देखेंगे कि वो यहाँ पर हमारी विलिंग करती है या फिर नहीं। हमारी मॉडिफाइड थार है वो तो यहाँ पर नीचे आ चुकी है। अब चलो फटाफट से इसको मैं दोबारा से यहाँ पर चलाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर विलिंग करती है या फिर नहीं। चलो फटाफट से यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सेलेरेटर दबा के रखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो इसका जो बोनट वाला हिस्सा है वो यहाँ पर ऊपर उठ चुका है। यहाँ पर इसके दोनों के दोनों टायर यहाँ पर हवा के अंदर उड़ चुके हैं। जो हमारी मॉडिफाइड थार है उसको अगर हम लोग मून ग्रेविटी लगा के यहाँ पर चलाएंगे अपनी इंडियन बाइक वाली गेम के अंदर तो वो यहाँ पर हमारी विली करती है। अब चलो फटाफट से हम लोग अपनी दूसरी थार पर भी इस वाले मिथ को यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। बाकी हाँ दोस्तों इस वाले मिथ को तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं अपनी न्यूली थार पर। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप लोग ने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर दोस्तों अगर आप लोग के पास अपना कोई मिथ हो तो इसी वीडियो के नीचे अपना मिथ कमेंट कर देना। आप लोग मिथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे। चलो फटाफट से हम लोग अपनी न्यूली थार को मंगा लेते हैं जिसका चीट कोड नंबर यहाँ पर 9191। उसको चीट कोड नंबर डायल करने से हमारी यहाँ पर न्यूली थार आ चुकी है। चलो फटाफट से इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर इस वाले मिथ को ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर विली करती है या फिर नहीं। मून ग्रेविटी तो यहाँ पर हमारी लगी हुई है। यहाँ पर मैं अपनी थार को चला रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब इसको तो चलाने में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो न्यूली थार है वो तो यहाँ पर हमारी विली नहीं कर रही है मून ग्रेविटी लगे होने के बाद भी। बाकी यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है क्योंकि भाई ने बोला था कि जो हमारी थार आती है मॉडिफाइड थार अगर हम लोग उसको मून ग्रेविटी का चीट कोड नंबर लगा के यहाँ पर उसको चलाएंगे तो वो यहाँ पर हमारी विली करेगी और वो विली कर भी रही थी। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है। बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। यहाँ पर 9090 वाली थार को चलाओगे तो उसका स्पीडोमीटर नहीं काम करता है। तो चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पर अपनी 9090 वाली थार को मंगा लेते हैं जो कि है यहाँ पर हमारी मॉडिफाइड थार। तो मॉडिफाइड थार आ चुकी है। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं फिर देखते हैं कि मॉडिफाइड थार का यहाँ पर हमारा स्पीडोमीटर वर्क करता है या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पसंद कर दिया एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका जो स्पीडोमीटर है दूसरा तो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। पर यहाँ पर अपने स्टेयरिंग को थोड़ा बहुत इधर हिलाऊं कि यहाँ पर स्टेयरिंग के पीछे जो स्पीडोमीटर है उसकी यहाँ पर देखो उसकी यहाँ पर सुई हिल रही है या फिर नहीं। आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर स्पीडो
किलोमीटर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर थार के अंदर, मॉडिफाइड थार के अंदर, वो दोनों के दिन ही यहाँ पर हमारी गेम के अंदर नहीं चल रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर वाला मिथ हमारा कन्फर्म्ड होता है कि यहाँ पर जो हमारी मॉडिफाइड थार है 9090 की चिटकन नंबर से आने वाली, उसके अंदर यहाँ पर कोई सा स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता, दो दो यहाँ पर स्पीडोमीटर लगे हुए एंड दोनों ही यहाँ पर हमारे वर्क नहीं करते, दोनों की यहाँ पर सुइयां नहीं चलती हमारी गेम के अंदर, इंडियन वैक्सीन वाली गेम के अंदर। तो यहाँ पर वाला मिथ हमारा कन्फर्म्ड होता है यार यहाँ पर वाला। तो गाइस बस आज की इस वीडियो के अंदर बस कुछ इतने ही मिस। तो यार दोस्तों अगर आप सब लोग हमारी वीडियो पसंद है तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि यार दोस्तों ये वीडियो मैंने रोजे के अंदर बनाई है। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, क्योंकि रमजान चल रहे इसलिए भाई सब थोड़ी बहुत यहाँ पर वीडियो डिले भी हो रही है और वीडियो में नहीं भी बना पा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए दुआ में याद रखना, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।